में नहीं आ रहा, कब पहले तो ऐसा नहीं किया उसने। रखें, क्यों परेशान हो रही हैं? भाई होगा मेरा भाई। ओके हम लोग चलेंगे जाकर ढूंढ, पता चल जाएगा। अभी कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला यार, हर जगह देख लिया, कब्रिस्तान में भी ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं मिले। अरे कहाँ चले गए वो? यही तो मसला है, आखिर कहाँ जा सकते हैं, यही तो समझ नहीं आ रहा। किसी दोस्त से पता करो, हो सकता है किसी के घर पर गए हों। अरशद भाई सारे दोस्तों को फोन करके पता किया है, किसी के पास नहीं गए, और वैसे भी उन्होंने अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया है, उल्टा मुझे शर्मिंदा होना पड़ा पूछने पर। सुहेब ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, बस इस वक्त हमें ये सोचना है कि पापा कहाँ जा सकते हैं। मुझे पता होता कि उस तरह से दफ्तर से उठ के कहीं चला जाएगा तो मैं उसको मजबूर ही ना करती दफ्तर जाने के लिए। सारा मेरा ही कसूर है, मेरी गलती, तुम लोगों को खामखा परेशानी उठानी पड़े इतनी ज्यादा। नहीं पप्पू, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अब डैड इस तरह करने लगे कि उन्हें हमारी परेशानी से भी कोई गर्ज नहीं रहा। अब देखिए ना, पापा कितने केयरलेस हो गए, ड्राइवर से गाड़ी ले ली यार उन्होंने। इतनी दफा कॉल कर चुका हूँ, I don't know why he's not picking up. पता नहीं कहाँ फोन छोड़ के चले गए। और दफा ट्राई करता हूँ यार। ट्राई करो, जल्दी करो बेटा। प्लीज ना ना। क्या परेशान नहीं हो? लो जी, अब फोन बंद जा रहा है। अब आप मुझे खुद बताएं कि हम क्या करें, कहाँ ढूंढें, सारे रास्ते ही बंद कर दिए उन्होंने। अच्छा ज़ुहेब, ये वक्त इतना स्ट्रेस लेने का नहीं है, तुम प्लीज आराम से सोचो, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो जगह होगी जहाँ पापा का पता लगा सकते हैं। लीजा, मैं और असद भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें तलाश करने में, अब वो नहीं मिल रहे तो हम क्या करें? बस वे कोई तो जगह बची होगी, तुम हॉस्पिटल में चेक कर सकते हो, पुलिस से बात करो। अब एक सेकंड। हेलो पापा, पापा किसके फोन से फोन कर रहे हैं आप कहाँ हैं अभी? पापा मैं अभी आ रहा हूँ, सुहेब मेरे साथ। अरे किसान जाते हैं, बताओ तो सही, या अल्लाह वकार कैसा है, बताओ तो सही, कहाँ चले गए ये लोग, पता नहीं, या अल्लाह फिर। पापा अब फोन आ गया है ना, पता चल जाएगा पापा कहाँ है। बस मेरा भाई प्लीज ना, या अल्लाह जान निकल, अरे ये मेरी तो, या अल्लाह खैर हो।